सो गाइस फ्री फायर में एक स्कैम चल रहा है, बहुत अच्छा खासा एक स्कैम चल रहा है। स्कैम क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरा जो स्टार्ट बटन है, मैं यहाँ पर जब टैप कर रही हूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरा गेम जो है वो मैं गेम पे नहीं जा सकता। इसके दिक्कत क्या है इसका समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या ग्लिच चल रहा है। तो आप लोगों को अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोगों को वीडियो को, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहो। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक देने वाले हैं, उसके वजह से आप लोगों को गेम जो है वो आप लोग खेल सकते हो। और एक बात, आप लोगों को अगर आप लोगों को जो आईडी है वो फ्री फायर में लॉगिन नहीं हो रहा है, फ्री फायर मैक्स में लॉगिन नहीं हो रहा है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हो। आपका आईडी जो है वो लॉगिन 100% हो जाएगा। और मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यहां पर कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहां पर फाइनल जो बात है, यहां पर देख सकते हो मेरा जो स्टार्ट बटन है, मैं यहां पर जब टैप कर रहा हूं, ठीक है, मतलब ये जो दिक्कत है सुबह से चलते आ रहा है। मैं को बहुत सारा ट्राई किया और मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि आप लोगों को बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो क्या स्कैम हो रहा है मेरे साथ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो जो स्टार्ट बटन है, यहाँ पर जब टैप करती हूँ कुछ ही सेकंड के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यू आर ऑलरेडी इन गेम MM1। मतलब इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ऐसा दिक्कत हुआ, आप लोगों को अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट में बताना। तो चलो आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक देते हैं। तो आपके पास रिक्वेस्ट है, वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखते रहो। आप लोग अगर वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो प्रॉब्लम, ये जो ग्लिच है ये क्या है और इसको सोल्यूशन कैसे करना है और आप लोगों को गेम कैसे खेलना है। तो यहाँ पर फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को दो तीन टिप्स देने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट आप लोगों को गेम जो है उसको आपको काट देना है, ठीक है। मतलब उसको पूरा आपको हटा देना है। हटाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिर से आपका जो आईडी है वो आईडी फिर से एक बार ऑन कर लेना है। तो आप लोगों को आईडी जो है वो अगर फिर से ऑन करने से आपका वो जो दिक्कत है, वो जो प्रॉब्लम है, वो अगर सही हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही नहीं होगा उसके बाद भी एक दो टिप्स देने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर मेरा आईडी जो है वो यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ और लॉगिन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा जो आईडी है वो गेम में जा सकते हैं नहीं। वो प्रॉब्लम जो दिखा रहा था यू आर ऑलरेडी इन गेम, तो प्रॉब्लम फिर से आता है कि नहीं आता है हम लोगों को देखना है। देखने के बाद अगर नहीं होगा फिर से दोबारा एक दूसरा टिप्स आप लोगों को देने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो आईडी है वो ऑलरेडी ओपन हो गया। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो वही लिखाई दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है तो समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई ये दिक्कत क्या है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम क्या है, अगर ये स्कैम आप लोगों के साथ क्यों हो रहा है मैं आप लोगों को फास्ट बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों के साथ, एक कोई ग्लिच वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दिक्कत क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग ऐसा होता है ना कि गेम खेलते खेलते बीच में काट के मतलब गेम से निकल जाते हो और टीममेट्स के साथ खेलते खेलते भाई एक दो टीममेट जिंदा रहता है, आप लोग ऐसे निकल जाते हो, काम रहता है तो निकल जाते हो बीच में काट के। तो गेम ऐसे बैक करने से पहले ये दिक्कत नहीं होता था, अब ऐसा रूल हो गया फ्री फायर में कि आप लोग अगर फ्री फायर खेलते खेलते मतलब गेम प्ले आप लोगों का चल रहा है तो उस टाइम पे आप लोग अगर बीच में काट के या फ्री फायर उस टाइम पे आप लोग अगर फ्री फायर से निकल जाओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आप लोग देख सकते हो यू आर ऑलरेडी इन गेम, मतलब आपको ये जो आईडी है, ठीक है, ये आईडी में आपका कुछ दिनों के अंदर मतलब कुछ दिन के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सस्पेंड भाई आप लोगों को नहीं करना है, सस्पेंड कर दोगे तो आप लोग गेम खेल नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आप लोगों को बस गेम खेलना है, बस आपको गेम कंप्लीट करके गेम से निकलना है। आप लोग अगर बीच में काट के ऐसे ही निकल जाओगे तो मेरे जैसा ऐसा हालात आप लोगों को भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा बंदे को भी ऐसा हालात हुआ है कि गेम खेलता है, गेम में आता है लेकिन गेम ऑन नहीं होता है, गेम पे जा नहीं सकता है, यहाँ पर कुछ लिखाई दिखाई देता है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था ऐसा वीडियो आप लोगों को बना के देने के लिए, तो भाई थोड़ा सा बिजी था इसलिए दे नहीं पाया। तो भाई फाइनली ये जो प्रॉब्लम है ये मतलब बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम है, मतलब आप लोग गेम तो ओपन कर सकते हो लेकिन आप लोग गेम नहीं खेल नहीं सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर फ्री फायर लवर हो तो ऐसे फ्री फायर बीच में काट के या फ्री फायर ऐसे ही बैक कर में मत आओ, ठीक है। लॉबी में आ जाओगे तो आपको ऐसा सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सस्पेंड कर दिया जाएगा तो सस्पेंड कर देगा तो आप लोग गेम खेल नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका और एक टिप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं एक
टिप्स दिया है, ठीक है। तो आप लोग गेम को काट करके फिर से एक बार लॉगिन कर लेना, अगर नहीं होगा तो आप लोगों को क्या करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को फोन जो है, जो फ़ोन पे आप लोग खेलते हो, ठीक है, वो फ़ोन आप लोगों को रिसेट मार लेना है, ठीक है, मतलब रिबूट मार लेना है। मारने के बाद आप लोगों को फिर से आ जाना है गेम में, तब देखना फ्री फायर आपका फ्री फायर या फ्री फायर मैक्स जो है वो ओपन होता है कि नहीं, ठीक है। और फिर भी नहीं होगा तो आपको लास्ट जो फाइनल ट्रिक है वो कभी हर डे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को फ्री फायर मैक्स जो है उसको अनइंस्टॉल कर देना है, ठीक है। फिर प्ले स्टोर पर जाना है, जाने के बाद फ्री फायर मैक्स सर्च कर लेना है, और जब फ्री फायर मैक्स जब आ जाएगा उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल कर लेना है। तो भाई ये मत करना है, ये इसको करोगे तो आपको यहाँ पर जो डाटा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर जो डाटा वगैरह है सब कुछ चला जाएगा आप लोगों को। तो मेरा हिसाब से ऐसा करना बेहतर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे बेहतर काम यही होगा कि आप लोगों को फ्री फायर जो है गेम खेलते खेलते आप लोगों को बीच से काट के लॉबी में नहीं आना है, ठीक है, बीच में काट के भाग नहीं जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को गेम खेलना है तो गेम खेलो, ठीक है, बीच में काट के निकल जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाएगा और आप लोग यहाँ पर गेम खेल नहीं सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो इतना सा, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो गाइस आप लोग अगर फ्री फायर लवर हो और आप लोगों को फ्री फायर वीडियो एंड फ्री फायर इवन फ्री फायर की हर डिटेल्स इस चैनल पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा आगे भी, तो आप लोगों को क्या करना है वीडियो को एक लाइक कर देना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करके रखना है। इसके लिए क्या होगा, आपको ऐसा एक लाइक एंड सब्सक्राइब करने से हम लोगों को ऐसा मोटिवेशन मिलता है ऐसा वीडियो बनाने के लिए। तो आपके पास रिक्वेस्ट है, आप अगर फ्री फायर लवर हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसमें प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट करके रखना। और जो भी भाई लोग मेरा चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रखे हो तो उन लोगों के लिए मेरा दिल से धन्यवाद एंड दिल से लव यू। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसा जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और एक बात गाइस, आप लोगों का अगर फ्री फायर आईडी जो है लॉगिन नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह ऐसा कुछ इंटरफेस आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग जाके आप लोग ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है, ऊपर में मैं 3 डॉट में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग चेकआउट कर सकते हो, मैं वहाँ पर पिन कर दूंगा, और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसा जबरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।